चैनल आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही मजेदार चीज जो हमें गर्मियों में तो खाने का मन करता है और सबसे ज्यादा बच्चों को हम मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा वो है आइसक्रीम। तो मैंने एक आइसक्रीम, आप सोच रहे होंगे कंटेनर आते हैं आइसक्रीम वाले, उसमें जूस डालते हैं, स्टिक डालते हैं, फ्रिजर में रख देते हैं, बन गई खा लेते हैं सिंपल। बट आज हम एक ऐसा मजेदार आइसक्रीम बनाना सीखेंगे ना जो आपने कभी नहीं सोचा था। मैंने एक आइसक्रीम पहले भी आपको बनाने दिखाया था लेकिन इस चैनल पे नहीं, मेरे पुराने चैनल पे, वो उसमें देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसमें ओरियो से आइसक्रीम बनाना आप देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपनी आइसक्रीम बताती हूँ शुरू करते हैं, ठीक है चलिए। सो फ्रेंड्स, ये जैसे देखिए मैंने आइसक्रीम अपनी रेडी कर ली है। अब मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बताती हूँ कैसे बनी है। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि आइसक्रीम मेरी कितनी सुंदर लगी है, मैंने एक का खोला है आप देख सकते हैं, और आप सोच रहे होंगे भाई बनी कैसे है ना, तो इसमें पैकेट कैसे आए, तो वो तो सिंपल ही है। आपको ये मतलब आप घर पे तो या किसी भी शॉप से आप ऐसी डेयरी मिल्क की चॉकलेट ले सकते हैं, जस्ट प्लेन वाली, फाइव स्टार मत लीजिएगा, कोई और चॉकलेट मत लीजिएगा, सिंपल जो सी प्लेन सी होती है, उसके बाद इसको अच्छे से क्रश करके, ठीक है, फ्रिजर में रखिएगा, उसके बाद अच्छे से क्रश करके इसमें डाल दीजिएगा वापस, ऊपर से मिल्क ऐड करिएगा, और उसके बाद आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स, काजू, जो आपका मन करे आप उसमें डाल सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं, जेम्स भी डाल सकते हैं, सब कुछ, ओके। तो वो डालने के बाद आप उसमें जैसे मेरी जो आइसक्रीम मैंने बनाई है इतनी सुंदर है ना, मैंने खाई थी बहुत टेस्टी थी, आप उसको ट्राई जरूर करना, ठीक है। तो इसके बाद ये जो स्टिक्स है, आप मैंने आपको बताया था आपको कि कंटेनर में जो आते हैं स्टिक्स, अब मेरे पास जैसे कंटेनर था लेकिन मुझे इसमें ज्यादा अच्छा लगा बनाना, तो मैंने इसकी स्टिक ले ली कंटेनर की, इसमें रख दी, और उसके बाद हमारी इसमें हमने स्टिक्स से इसको जमा दिया, और देखिए कितनी सुंदर आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है।